मौसम विभाग से सिद्धार्थ बता रहे हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर हम सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में उस जगह पर हैं जहाँ भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो अभी अभी थोड़ी देर पहले जो भूकंप आया है उसकी जो कितना बड़ा भूकंप है, ये 5 की इंटेंसिटी का भूकंप है ये हम देख सकते हैं, और 5.1 की इंटेंसिटी बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो इलाका है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पूरे के पूरे इलाके में लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और ये आफ्टर शॉक्स किस तरीके के हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप जी, किस तरीके के आफ्टर शॉक्स हैं और किस कब तक आते रहेंगे सर? नहीं, ये तो आफ्टर शॉक्स तो आएंगे ही। पहले जो बड़ा शॉक था वो 7.9 था, उसके बाद 6.6, 5.4, ये लेटेस्ट है 5.1। और लोकेशन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पर ये नेपाल के नॉर्थ वेस्ट 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम काठमांडू। तो सर ये कितना बड़ा भूकंप है, क्या इसे बड़े भूकंप की श्रेणी में रख सकते हैं? 7.99 तो बड़े में ही आ जाता है, तो जब बड़ा कोई भूकंप आता है तो उसके साथ आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी कुछ शॉक्स आ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि और भी आफ्टर शॉक्स आएंगे, यानी इस पूरे इलाके की जो स्थिति है हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षित बोल सकें या ये कह सकें कि लोगों को अभी डरना नहीं चाहिए। लोगों को निश्चित तौर पर डरना चाहिए और लगातार स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए, किस तरीके के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, किस तरीके का भूकंप आ रहा है, उस तरीके के एहतियात लोगों को बरतने चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।